मुरादाबाद दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर की लाखों रुपए की ठगी, पीड़ित ने एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें कि पीड़ित फेम निवासी दुलारी ग्राम थाना मुंडा पांडे ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय में एक शिकायती पत्र देते हुए एक युवक आसिफ निवासी बीकनपुर पर आरोप लगाते हुए बताया कि युवक से उनकी मुलाकात 4 माह पहले हुई थी। पीड़ित के मुताबिक आरोपी युवक ने उनसे उनके बेटे फराइन और भतीजे सुल्तान को दुबई में नौकरी लगवाने की बात कही थी। पीड़ित का आरोप है कि दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपी युवक ने करीब 3,50,000 रुपए ले लिए। आरोप है कि पीड़ित का बेटा व भतीजे को कुछ दिन दुबई में रखा, उसके बाद उसे वहां से वापस मुरादाबाद भेज दिया गया। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी युवक आसिफ निवासी बीकनपुर ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत एसएसपी से की है और इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला ये है, एक हमारा भतीजा है सुल्तान, एक लड़का हमारा फराइन, इन दोनों लड़कों को हमने दुबई के लिए, जो ये लड़का रहता है यहाँ पे बीकनपुर, क्या नाम है उसका, नाम है आसिफ, आसिफ उससे हमने बात करी, वो हमारे घर पर आया फ़ोन के जरिए। आने के बाद उसने पूरी स्थिति बताई तो हम उससे बोले भाई ऐसा है, 15 के बाद पैसे दे देना हम, अच्छा बोले आधे आप दे दो ये दुबई भेजने के लिए। अच्छा, आपके हाँ, भतीजे और लड़के को दुबई भेजने के लिए कितने पैसे लिए हैं? उनने पहले लिए थे हमसे 1.5 लाख, 2 लाख लिए भेजने के बाद। अच्छा, 40,000 रुपये महीने की सैलरी तय करी थी। अच्छा, बोले 40,000 रुपये महीने की सैलरी आ करी तुम्हारे घर पर, अब उसके बाद इनने भेज दिया था, यहाँ से भेज दिया था। दुबई में कितने समय रहा? दुबई में रहा था 13-14 दिन। फिर क्या हुआ? उसे वापसी कर दिया गया, दुबई से यहाँ मुरादाबाद भेज दिया, मुरादाबाद भेज दिया गया। अच्छा, फिर उसमें कुछ उन्होंने सामान वामान मंगाया था दोनों बच्चों से, सोने की रिंग थी उसके हाथ में। अच्छा, वो एक लड़के ने इनसे ले ली गई थी, फिर रास्ते में इन्होंने लड़का भेज दिया एयरपोर्ट पे, उन्होंने उसका सामान सारा वहीं ले लिया, इन्हें घर भेज दिया गया। अच्छा, अब किससे शिकायत की आपने? अब हम कप्तान साहब के पास आए थे। क्या चाहते हो इसमें? हमारा पैसे मिल जाना चाहिए। जाए यार, अभी पैसा वापसी मिल जाना जी। स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी आपने? जी। तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ पर? अब कार्रवाई चल रही है, अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं है।